गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर हिंदी क्लास। टुडे वी विल स्टडी अबाउट पार्ट 7 दीदी की डायरी। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों? पार्ट 7 दीदी की डायरी। डायरी का सामान्य सा अर्थ अपने दैनिक क्रियाकलापों को डायरी में अंकित करना होता है, लिखना होता है। डायरी के पढ़ने से उक्त व्यक्ति की सोच, समझ, रुचियों, मनोवृत्तियों, उसके परिवेश और संदर्भ का पता चल पाता है। साहित्यकारों और इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तित्व की डायरियां अपने उल्लेखनीय विषय वस्तु के कारण इतिहास की महत्वपूर्ण स्रोत और जानकारी के आधार बने हैं। प्रस्तुत पाठ में डायरी साहित्य की अन्य विधाओं की तरह एक विधा है। डायरी के विषय वस्तु पाठक के लिए, पढ़ने वाले के लिए कैसे महत्व रखते हैं, इसकी समझ को रखना, इस पर चर्चा करना और विद्यार्थियों में डायरी लेखन के प्रति चाहत पैदा करना जैसे विभिन्न प्रकार के उद्देश्य इसमें निहित है। तो बच्चों, डायरी लेखन क्या होता है? डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा लिखा गया क्या होता है? व्यक्तिगत अनुभवों, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया क्या होता है? एक संग्रह होता है। विश्व में महान व्यक्ति डायरी लेखन करते थे और उनके अनुभव से उनके निधन के बाद, अर्थात उनकी इस दुनिया से चले जाने के बाद भी कई लोगों के को प्रेरणा मिलती है उनसे, उस डायरी से। तो डायरी क्या है? डायरी अर्थात जो प्रतिदिन लिखी जाए, हर दिन की विशेष घटनाएं प्रिय अथवा अप्रिय जिन्होंने भी मन पर प्रभाव छोड़ा हो डायरी में लिखी जाती है। तो बच्चों अब समझ जाते हैं, है ना, कि डायरी लिखने के लिए ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी बातें होती हैं, उसको हम समझते हैं ना। तो क्या होता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या चीज है, कौन सी बातें हैं जो ध्यान रखने योग्य है ना। तो इसे प्रायः डायरी कब लिखी जाती है? तो इसे प्रायः सोने जाने से पहले, अर्थात हम जब सो रहे होते हैं तो उससे पहले लिखे, ताकि पूरे दिन में घटित सभी विशेष घटनाओं को हम इसमें लिख सकें। उसके बाद क्या करना चाहिए, पृष्ठ में लिखते समय पृष्ठ में सबसे ऊपर तिथि, दिन और लिखने का समय अवश्य लिखना चाहिए। डायरी के अंत में क्या करना चाहिए, अपने हस्ताक्षर करें ताकि वह आपके व्यक्तिगत दस्तावेज बन सके। अपने अनुभवों को स्पष्टता से व्यक्त किया जाना चाहिए, निडरता से और स्पष्टता से अपने अनुभव जो भी है उसको लिखना चाहिए। डायरी लिखते समय सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। डायरी में दर्ज विवरण क्या होना चाहिए बच्चों? संक्षिप्त होना चाहिए, जैसे गागर में सागर भरने की तरह, इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाठ को। आप लोग भी कॉन्सेंट्रेट होकर के वीडियो वॉच करिएगा, ओके। गुलाब की फूल सी नन्ही संजू, है तो अभी छोटी पर है बड़ी सयानी। कक्षा 8 में पढ़ती है, स्वभाव से हंसमुख है, खूब हंसती हंसाती हैं, चुटकुले सुनाए तो हंसी के फव्वारे छूटने लग जाते हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग बच्चों? तो नन्ही संजू के बारे में। और किसके समान है? गुलाब के फूल सी नन्ही संजू है तो क्या है, छोटी है पर बड़ी सयानी है। बड़ी सयानी, सयानी मीन्स होता है चतुर, होशियार है बच्चों। कक्षा 8 में पढ़ती है, कौन सी क्लास में? कक्षा 8वीं में। स्वभाव से तो बहुत हसमुख है, खूब हंसती हंसाती हैं, चुटकुले सुनाए तो हंसी के फव्वारे छूटने लग जाते हैं, अर्थात सभी बिना हंसे नहीं रह सकते। तो संजू को किताबें पढ़ने का शौक है, और क्या है, संजू का शौक जो है किताब पढ़ने का है, कहानी, कविता, कॉमिक्स आदि ये सब पढ़ती है, कौन? संजू। यह शौक उसे माँ की देखा देखी लगा है। किससे हुआ है? माँ की देखा देखी लगा है। और बच्चे तो वैसे ही होते हैं बच्चों, है ना, कि जो अपने से बड़े बुजुर्गों को करते हुए देखते हैं वो भी उनके उनकी आदत में शामिल हो जाते हैं और धीरे धीरे वो भी वैसे ही करने लग जाते हैं। तो संजू भी अपनी माँ से वो सीखी है, क्योंकि उनकी माँ भी वैसे ही कहानी, कविता, कॉमिक्स पढ़ती रही होगी, तो उनका जो है कौन सीखी है? संजू। संजू चाहे कक्षा में अच्छे नंबर लाए या जन्मदिन मनाए, उसे उपहार मिलता है पुस्तक का। बिल्कुल सही सुना बच्चों आप लोगों ने, किसका उपहार मिला? पुस्तक का। क्यों? क्योंकि उपहार में तो वही देंगे ना कि उनका इंटरेस्ट किस में है। तो उनको सब बच्चों को पता था
और सभी को कि संजू जो है पुस्तक पढ़ने में रुचि रखती है, इसीलिए सभी उनको उपहार में क्या देते थे, पुस्तक। फलतः उसके घर में छोटा सा पुस्तकालय बन गया है। स्कूल में भी उसे चटपटी पुस्तक की तलाश रहती है। अभी पिछले दिनों संजू ने गांधी साहित्य पढ़ा। किसके बारे में? गांधी साहित्य। बापू के सत्य के प्रयोग पुस्तक उसे बहुत पसंद आई। किसको? संजू को। बापू ने इन प्रयोगों को अपनी डायरी में लिखा था। किसके प्रयोग को? सत्य के प्रयोग। संजू ने सोचा वह भी डायरी लिखेगी। माँ ने भी उसका हौसला बढ़ाया। पिताजी को पता चला तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे एक सुंदर डायरी भी ला के दी। अब संजू मुश्किल में पड़ गई। क्या मुश्किल आ गई? अब डायरी भी मिल गया और मम्मी पापा भी तैयार हो गए, तो मुश्किल क्या पड़े, तो वह कैसे शुरू करें? डायरी तो मिल गई, लेकिन डायरी को लिखना कैसे शुरू करें? तभी उसे याद आया उसकी दीदी भी तो डायरी लिखती है। उसने दीदी को अपनी इच्छा बताई। दीदी ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, यह तो कोई कठिन बात नहीं है, बस रात को मन लगाकर बैठ जाओ, दिन भर की सारी घटनाएं याद करो और वैसी की वैसी लिख दो। इसे प्रतिदिन लिखते रहना जरूरी है। डायरी क्या है? प्रतिदिन लिखना जरूरी होता है। संजू ने हट करते हुए कहा, दीदी आपकी डायरी दिखा दो ना, थोड़ा सा पढ़कर लौटा दूंगी। दीदी पहले तो हिचकिचाई, फिर बात मान ली। संजू ने दीदी के डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वे नीचे दिए जा रहे हैं। संजू अपनी दीदी की डायरी में क्या पढ़े वो सभी हम लोग नेक्स्ट पृष्ठ में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज नंबर में क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं। 1 जनवरी 2008, कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक होती रही। कारीगर पत्थर तराश रहे थे। एक छोटी सी छेनी से वे पत्थर में फूल पत्तियां उकेर रहे थे। किससे? छेनी से। छेनी मीन्स बच्चों लोहे का बना हुआ एक नुकीली हथियार, जिससे पत्थर में फूल पत्तियां उकेर रहे थे, अर्थात पत्थर में डिजाइन या फिर कुछ उसमें निशान बना सके या मूर्ति बना सके। ओके, तो इस प्रकार से उस छोटी सी छेनी से वे पत्थर में फूल पत्तियां उकेर रहे थे, अर्थात बना रहे थे, डिजाइन बना रहे थे। ठीक है, किसके सामने? कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक ऐसी आवाज ध्वनि हो रही थी। कारीगर पत्थर तराश रहे थे, अर्थात खुदाई कर रहे थे, उसमें डिजाइन बनाने का काम कर रहे थे। एक छोटी सी छेनी से नुकीली हथियार से वे पत्थर में फूल पत्तियां का डिजाइन, फूल पत्तियां बना रहे थे। कौन? कारीगर। कहां पर? कॉलेज में कक्षा के सामने। ठीक है, सेकेंड दिन क्या होता है? 2 जनवरी 2008, आज सुबह शीला के घर गई। वह स्नान घर में थी। कौन गई? संजू की दीदी। ठीक है, डायरी में अपने आप लिखी है ना वो, तो आज सुबह शीला के घर गई, तो कौन गई? संजू की दीदी। वह स्नान घर में थी, अकेली बैठी बैठी क्या करती, पत्रिका का पुराना रंगीन पृष्ठ नजर आया, उसी को लटने पलटने लगी। उसमें एक चुटकुला बहुत मजेदार था। हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अभी डायरी लिखते समय भी हंसी नहीं रुक रही है। फिर से पढ़ पाऊं इसलिए लिख लेती हूं इसे। अब संजू की दीदी क्या करती है, उसे उसको अच्छी लगी इसीलिए उन्होंने उस चुटकुले को फिर से और पढ़ पाऊं इसलिए उन्होंने क्या करती है, लिख लेती है। किसमें? डायरी में। खरीदार मालिक से, इस भैंस की तो एक आंख खराब है, फिर इस भैंस के 7,000 क्यों मांग रहे हो? माली कहता है, भैंस से दूध लेना है या कसीदाकारी करवानी है? मां को कल रात से मलेरिया है, मैं तो रात भर उनके पास बैठी रही। खाना भैया ने बनाया, आलू मटर की सब्जी बनाई, गरम गरम रोटियां सेक ली। मैंने जो ही पहला कौर मुंह में डाला तो फीका लगा, नमक तो था ही नहीं। माँ ने पूछा, सब्जी कैसी बनी? मैंने कहा, बहुत स्वादिष्ट है। इधर भैया का बुरा हाल, आंखें नीची, पर इससे क्या, नमक नहीं था तो कोई बात नहीं, बाद में डाल लिया। सोच रही थी अगर भैया दो बार नमक डाल देते तो। इस प्रकार से ये किस दिन के? 2 जनवरी 2008 की डायरी। फिर 3 जनवरी 2008 में क्या लिखती है उनकी दीदी संजू की? पिकनिक का दिन रहा आज का। जहां हम गए वह स्थान बहुत सुंदर था,
हरे हरे वृक्षों से घिरा हुआ, पानी से लबालब भरा एक सरोवर, तालाब, शांत वातावरण, पक्षियों की चहचहाट। वहां पहुंचकर हम छोटी छोटी टोलियों में बढ़ गए, टोलियों में ग्रुप में बढ़ गए, है ना। मैं तो साइदा, नीलू, विमला और संजू के साथ रही। पहले तो वहां हम चारों ओर घूमते रहे, झूलों पर झूले, फिर सरोवर पर गए तो मछलियां देखते रहे, डूबती उतराती रंग बिरंगी और छोटी मछलियां। तभी बहन जी ने बुलावा भेजा, देखते रहे उस समय बहन जी ने बुलावा भेजा हम लोगों के लिए। क्या अब सब मैदान में आ इकट्ठे हुए, जैसे बुलावा मिला तो नरम नरम घास पर बैठ गए। गुनगुनी धूप थी, बारी बारी से हमने गाना गाया, ढोलक बजी तो नाच गाने में रम गए सब। मंजू तो जो कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी, आज खूब नाची। मैंने भी जादू के खेल दिखाए। किस दिन? 3 जनवरी 2008। खेल में जिसने जो फल चाहा, उसे उसी फल की खुशबू सुंघा दी, जो मिठाई मांगी वही चखा दी। कितना आनंद आया लिख ना सकूंगी, क्योंकि आनंद जो है उसको लिख नहीं सकते, नहीं उसको बयां कर सकते, उसको तो अनुभव की चीज है ना। मेरे जादू के करिश्मे को देख अंजू तो मचल ही गई, बोली एक दो जादू तो मुझे भी सिखा दो दीदी, मैं भी विज्ञान कैसे दूसरे खेल सीखूंगी, मैं मन करता है पिकनिक के दिन बार बार आए। संजू ने डायरी के 2-3 पन्ने उलट दिए। 8 जनवरी 2008, आज रविवार था, कहीं आने जाने की इच्छा तो थी नहीं। माँ ने चाट बनाई थी, जमकर नाश्ता किया, चाय की चुस्कियाँ ली और फिर सुबह सुबह ही पढ़ने बैठ गई। कौन? संजू की दीदी। सोचा वह पुस्तक ही पढ़ डालूं जो कल पुस्तकालय से लाई थी। नाम तो बड़ा अजीब था, तो चांद, एक जापानी लड़की की कहानी है, बड़ी मज़ेदार। जिस स्कूल में वह पढ़ती थी वह रेल के 6 डिब्बों में चलता था। किसमें? रेल के 6 डिब्बों में। कौन? स्कूल। जो जहां चाहे बैठे, जो चाहे पढ़े, शिक्षक को कोई डर नहीं, पूरी आजादी। तोतो चांद एक मनमोजी लड़की थी जिसे अपनी शरारत के कारण कई स्कूल बदलने पड़े। वह यहाँ रेल के डिब्बे वाले स्कूल में जम गई, उसका जीवन बदल गया। मुझे वह यह पुस्तक बहुत अच्छी लगी, सोचती हूँ क्या हमें भी पढ़ने की ऐसी आज़ादी मिल सकती है। फिर 9 जनवरी 2008 की घटना। आज का पूरा दिन उदासी में बीता। अच्छा, इस कौन से दिन? 9 जनवरी 2008 को माँ ने मुझे बार बार टोका, उदासी का कारण जानना चाहा, पर मैं कुछ बोल ना पाई। क्या बताऊँ, वह मेरी सहेली नीलू है ना, कल से पढ़ने नहीं जाएगी, 1 महीने बाद यह गाँव ही छूट जाएगा, 1 महीने बाद यह गांव ही छूट जाएगा उससे। उम्र तो मेरी जितनी ही है, पर घर वाले उसके हाथ पीले करके ही दम लेंगे, उसके हाथ पीले करके दम लेंगे, मीन बच्चों शादी करके ही दम लेंगे। मुझे मिली तो गले लगकर रोने लगी, कहती थी बहन पढ़ने का बेहद मन है पर क्या करूं, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। नीलू कक्षा में अव्वल आती थी, फर्स्ट, खेलने कूदने में भी किसी से कम ना थी। एक ही प्रश्न रह रह कर मेरे मन में उठ रहा है, क्या लड़कियों को पढ़ने का पूरा पूरा अवसर नहीं मिलना चाहिए? क्या बच्चों बताइए, नहीं मिलना चाहिए क्या? मिलना चाहिए। दुनिया भर की लड़कियां आज क्या क्या करतब दिखा रही हैं, अपना नाम रोशन कर रही है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर रही है, अपने देश का नाम ऊंचा कर रही है। हम हैं कि चौके चूल्हे के चक्कर में से किसी तरह उबर नहीं पाती। मुझे तो नीलू पर भी गुस्सा आता है, आखिर कब तक अपनी इच्छाओं का गला दबाती रहेंगी? मैं तो यह स्थिति कदापि नहीं करती, कहने का मतलब मैं यह स्थिति में कदापि भी यह एक्सेप्ट स्वीकार नहीं करती। ये संजू की दीदी अपनी डायरी में लिखती है। 10 जनवरी 2008 को क्या लिखती है? स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली, तपाक छींक आई। जैसी निकली छींक आ गई, रिक्शे वाले ने छींका था दीदी, रिक्शे वाले ने छींका था दादी, माँ ने आवाज लगाई, बिटिया आज स्कूल ना जाओ, सामने की छींक है। मेरा मन भी मैला हो गया था, एक पल सोचा रिक्शा लौटा दूं, तभी याद आया आज तो हमारी कक्षा में अभिनय करना था, नृत्य करना था, जिसकी जो अभिनय ड्रामा नाटक करना था, जिसकी मैं प्रमुख पात्र थी, उससे तो मेरा अत्यंत लगाव है, जो होगा सो हो जाएगा।
हिम्मत करके चल ही दी। अभिनय में मैंने भाग भी लिया। हमारा अभिनय सभी ने सराहा, अर्थात बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा, खूब तालियां बजाई। मैं तो व्यर्थ ही छिक से डर गई, उल्टे मुझे पुरस्कार मिला, शाबाशी अलग, पुरस्कार अलग मिला, शाबाशी अलग। आगे से मैं शकुन अब शकुनों के फेर पे पढ़ने वाली नहीं थी। देखिए यहाँ पर सीख मिल गया ना बच्चों डायरी से, क्या कि हमें हर कोई हर अच्छा काम करने के लिए किसी प्रकार से ये सब कुछ को ध्यान या मन के जो बुरे विचार में नहीं लगना चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्य कर्म को हमेशा बखूबी उसको पूरा करना चाहिए। 11 जनवरी 2008 की घटना। आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ना पढ़ाई में मजा आया, ना खेल में, कोई डांट टपट भी नहीं हुई। कभी कभी सोचती हूँ सब लोग लड़कियों को ही क्यों डांटते हैं। दीदी की डायरी से संजू को आधार मिल गया, उसने भी कल से डायरी लिखने का संकल्प ले लिया। इस प्रकार से इतने 11 जनवरी 2008 तक की जो डायरी में लिखा हुआ ये सब कुछ ऐसा देखी संजू ने, तो अपनी दीदी की डायरी से उनको एक आधार मिल गया बेस की किस प्रकार से लिखना है। और उन्होंने उसने भी कल से डायरी लिखने का संकल्प ले लिया, किसने, संजू ने। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग भी समझ गए होंगे, यह जो चैप्टर है डायरी लेखन पर आधारित है ना। डायरी अर्थात जो प्रतिदिन लिखी जाए, हर दिन की विशेष घटनाएं प्रिय अथवा प्रिय जिन्होंने भी मन पर प्रभाव छोड़ा हो डायरी में लिखी जाती है। इस प्रकार से डायरी लिखना चाहिए। ओके बच्चों, तो आप लोगों को इस चैप्टर से क्या समझ में आया, क्या आप लोग सीखे, है ना, क्या सीख लिए, इस सभी को मीटिंग में आप लोगों से कंसल्ट करूँगा। और किसी प्रकार से कुछ डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा, और वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा और चैप्टर को पढ़िएगा। ओके बच्चों।